हाय एवरीवन, यस या आई एम एट राजमाची। वो वहाँ सामने राजमाची फोर्ट है, अपना एक बार दिखा दो। वो वहाँ सामने, दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट लोकेशन ऑफ माइन इन लोनावला, राजमाची फोर्ट। यह हमेशा मेरा फेवरेट है और हमेशा रहेगा, बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो रास्ता है राजमाची फोर्ट जाने का, वो भी बहुत खूबसूरत है। इट्स ऑफ रोड ट्रेल। एंड टॉकिंग अबाउट ऑफ रोड, लेट मी टेल यू कि हमने हमारा सेकेंड बाइक खरीद लिया है, सेकेंड बाइक। मेरा फर्स्ट बाइक जो है पैशन प्रो, आप सभी को पता होगा जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं। अभी तक मैं जितना घुमाओ मेरे पैशन प्रो पे घुमाओ, इट्स बीन 4 ईयर्स आई एम यूजिंग पैशन प्रो। अभी बेचारी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसे बनवाना है, जल्दी हम उसका रिपेयरिंग करेंगे। हमेशा से ही हमें जो है पहाड़ों में घूमना पसंद था, और पहाड़ों के रास्ते थोड़े बहुत ऑफ रोड जाते हैं, और आई लाइक गोइंग टू सच प्लेसेस जहाँ पर शांति हो, वहाँ पर जाने में एक अलग ही मज़ा है। जैसे कि ये जगह, अब यहाँ पर दूर दूर तक बहुत कम लोग हैं, ये राजमाची फोर्ट पे। दिस इट इज़ वेरी पीसफुल ओवर हियर। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अवर न्यू मेम्बर। मेरे पहले बाइक का नाम था लिली, और ये बाइक का मैंने नाम सोच लिया है, और अभी नामकरण होने जा रहा है। तो पहले आपको बाइक दिखा देता हूँ। So, this is my new bike, which is Xpulse 200 4V. हवा काफ़ी अच्छी चल रही है यहाँ पर, और थोड़ा बहुत आवाज़ में आपको हवा फील होगा, और मैं ऐसे चाहूँगा भी नहीं कि ये हवा रुक जाए, कि मेरा आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो, क्योंकि ये इतना सही आवाज़ चल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमेशा से ही हमें जो है पहाड़ों में आना पसंद है, ऐसे जगह पर आना पसंद है, तो ऐसे जगह पर आने के लिए हमने खरीदी है हमारी ये बाइक हीरो एक्सपल्स 200 4V, जो हमें बड़े आसानी से ऐसे जगहों पर लेकर आए। तो दिस इज़ माई न्यू बाइक हीरो एक्सपल्स 200 4V, और ये दूसरा दिन है, मैंने बाइक कल डिलीवरी ली, आज जो है दूसरा दिन है। आज डेट है 5 जून, और मैंने अपने बाइक की डिलीवरी ली थी 4 जून को, आज है 5 जून, सेकेंड डे, और मैंने अपने बाइक को यहाँ पर लेके आया है। आज मैं इसे लेकर आया लोनावला में। आई गिव अ स्मॉल रिव्यू। एक दिन में कुछ बाइक के बारे में ज़्यादा तो पता चलता नहीं है, पर जितना मैंने चलाया बाइक बहुत स्मूथ चल रहा था। आज ज़्यादा मैं नया बाइक है तो भगाऊंगा नहीं, फिर भी मैंने 90 टच किया था, और बहुत स्मूथली 90 टच हो जाता है बाइक। और जैसे कि ये बाइक बना हुआ है ऑफ रोड के लिए, तो इन रास्तों पर बहुत मक्खन जैसा चल रहा था। तो थैंक यू सो मच, ये मेरी नई बाइक, बस आपकी दुआएं साथ रहे तो हमारी बाइक बहुत अच्छे से बहुत अच्छे टाइम तक चले, इसे कुछ हो ना, बस इतनी दुआ है। अरे हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैंने मेरे बाइक का नाम सोचा है और रखने का है, तो मेरे बाइक का नाम है कणमणि। सो दिस इज माई कणमणि, एंड दिस बाइक इज माई कणमणि।